बॉलीवुड सेलेब्स को अक्सर उनके लुक या ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर ट्रोल होते हुए देखा जाता है। कभी कभी वो अपने दिए बयान की वजह से भी ट्रोल किए जाते हैं। हाल ही में भूमि पेडनेकर को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। दरअसल एक्ट्रेस हाल ही में एक दिवाली पार्टी में गई थी और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी व्हाइट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि फैंस को उनके चहेते स्टार का हर फैशन पसंद आए। कभी कभी फैंस को अपने फेवरेट स्टार्स का भी ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आता। हाल ही में ऐसा ही कुछ भूमि पेडनेकर के साथ भी हुआ। वो एक दिवाली पार्टी में गई थी जहाँ फैंस ने उनका फैशन बिल्कुल पसंद नहीं किया। इतना ही नहीं, उनकी आलोचना भी की जा रही है। फैंस उनकी तुलना उर्फी जावेद से कर रहे हैं। अपने अब तक के करियर में भूमि ने टॉयलेट एक प्रेम कथा, दम लगा के हईशा, शुभ मंगल सावधान जैसी कई सुपरहिट फिल्में की हैं। जल्दी ही वो फिल्म भीड़ में राजकुमार राव के साथ नजर आने वाली है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली पार्टी में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर शानदार अंदाज में पहुंची। इस दौरान सोनम कपूर के घर पर दिवाली पार्टी में सेलिब्रिटीज का मेला लगा था। वहां जब नेटिजन्स ने उन्हें व्हाइट कलर की ड्रेस में घूमते हुए देखा तो सब ने उन्हें खरी खोटी सुनाना भी शुरू कर दिया। आप हमारे इस वीडियो के जरिए भूमि पेडनेकर की वायरल वीडियो देख सकते हैं, जहां भूमि को देखते ही सब लोगों ने कहा कि आखिर ये तो उर्फी जावेद की तरह लग रही है। इतना ही नहीं, ट्रोलर्स ने भूमि की आलोचना करते हुए उनकी तुलना उर्फी जावेद से कर डाली। इसके अलावा कुछ लोगों ने सीधे तौर पर भूमि की ड्रेस को उर्फी से इंस्पायर्ड ड्रेस बता दिया। बता दें कि समय भूमि के पास कई फिल्में हैं जिसमें वो नजर आने वाली हैं। जल्दी वो गोविंदा, नाम मेरा, भीड़, भक्षक, द लेडी किलर और अफवाह जैसी फिल्मों में दमदार किरदारों में नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भूमि पेडनेकर के इस बोल्ड ग्लैमरस लुक पर आपका क्या कहना है।